वेलकम फ्रेंड्स टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप आई कम्फर्ट लैंप के बारे में। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग मुझको बोलते हैं कि एक अच्छा सा रिचार्जेबल लैंप बताओ, एंड मैं बोलता हूँ कि रिचार्जेबल लैंप से नॉन रिचार्जेबल लैंप बेटर है। आज रिचार्जेबल या नॉन रिचार्जेबल लैंप का डिबेट में नहीं जाऊंगा। एक चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड मेरे लिए भी, वो है आई कम्फर्ट। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा लैंप दिखाने वाला हूँ जो कि आई कम्फर्ट के मामले में अच्छा लैंप है। दोस्तों यहाँ पे अभी मैं जो भी लैंप आपको दिखाने वाला हूँ वो हर एक लैंप का डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, एंड वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस लैंप के बारे में आप डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास है ये बजाज की तरफ से बजाज एक्रिलो नाइट्राइल। ये जो लैंप है इसका नाम पहले बजाज सॉफ्टलाइट मिनी था, लेकिन रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया, एंड नाम चेंज होके जो नाम है वो है एक्रिलो नाइट्राइल। दोस्तों एक चीज जो देख के अच्छा लगता है, इसका जो ओरिजिन कंट्री है पहले चाइना था, अभी इंडिया हो गया है। दोस्तों मैं जब प्रोडक्ट को रिसीव किया था तभी बॉक्स के ऊपर लिखा था कि मेड इन चाइना, एंड तभी ऐसा कोई सर्कुलर भी नहीं था कि वेबसाइट में लिखा रहना चाहिए कि ओरिजिन कंट्री कौन सा है। बट अभी जो ओरिजिन कंट्री है वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगा मेड इन इंडिया। सो मोस्ट प्रोबेबली बजाज ने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिया इस लैंप का, तो इट इज अ गुड थिंग। दोस्तों इसका जो लाइट है वो बैलेंस्ड है, मतलब येलो और व्हाइट का मिक्स है। अभी मेन लाइट को बंद करके जब इसको ऑन करूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों मेन लाइट को बंद कर देते हैं एंड आगे के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी एकदम अंधेरे में, अभी मैं लाइट को ऑन कर लूंगा। सो आप लोग देख सकते हैं दिस इज हायर इंटेंसिटी। अभी फिर से मैं टच करूंगा, देखिए दिस इज मीडियम इंटेंसिटी एंड दिस इज लो इंटेंसिटी। सो जो हायर इंटेंसिटी है उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो इंटेंसिटी है मीडियम एंड लो, इसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें पढ़ाई करें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन या फिर कितना वाट का एलईडी इसमें दिया गया है? दोस्तों इसमें जो एलईडी दिया गया है वो है 2 वाट का। व्हाट इज अबाउट द रन टाइम? दोस्तों वेबसाइट में कुछ भी लिखा रहने दो, लेकिन मुझे जो एक्चुअल रन टाइम मिला है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो हायर इंटेंसिटी में मुझको मिल गया है 2 आवर्स का रन टाइम। उसके बाद लैंप जो है लैंप बंद नहीं होता है, लैंप डिम हो जाता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो उसको माइनस करके ही बोल रहा हूँ, लैंप का जो रन टाइम हायर इंटेंसिटी में मुझको मिला वो भी अच्छे इंटेंसिटी के साथ वो है 2 आवर्स। दोस्तों मेरे पास ये कॉम्पैक्ट लैंप देख रहे हैं, ये है पोट्रोनिक्स बिलो। इसका जो लाइट है वो व्हाइटिश है एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों इस लैंप का मेन यूएसपी है ट्रांसपेरेंट डिजिटल डिस्प्ले। आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं? थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, देखिए मेरा जो ब्लू कलर का टी शर्ट है शायद इसमें से नहीं दिखाई दे रहा है आपको। एक काम करता हूँ, वाइट कलर का ये जो डायरी है इसमें से दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट है, देखिए अभी डायरी का वाइट पोर्शन में है बोल कैसा दिख रहा है, देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है डिस्प्ले में। चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये ट्रांसपेरेंट है बोल के ऐसा हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ डेट और मंथ भी देखने को मिल जाएगा, कौन सा दिन है वो भी देखने को मिल जाएगा, एंड बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं, मेन लाइट को बंद करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ एकदम अंधेरे में, जो पोट्रोनिक्स बिलो लैंप है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए इसको ऑन कर लिया, दिस इज हायर इंटेंसिटी। अभी इसको चेंज करूंगा, दिस इज मीडियम इंटेंसिटी एंड दिस इज लो इंटेंसिटी, एंड इसके बाद फिर से टच करूंगा तो बंद हो जाएगा, हाई मीडियम लो बंद। एंड एक चीज मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं रेड, अभी ग्रीन, ये चेंज होता रहेगा। अभी देखिए थोड़ा स्काई, उसके बाद ब्लू, ऐसा चेंज हो रहा है, इसके बाद फिर से ग्रीन वाला आ रहा है। लैंप का एलईडी को ऑन कर देता हूँ एंड जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको ये बॉटम वाला पोर्शन समझ में आए। सो इंटेंसिटी को कम कर दिया, देखिए ये जो बॉटम वाला पोर्शन है ये कलर चेंज करते रहता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। जब आप इसको टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये एज अ डेकोरेटिव लैंप भी टेबल के ऊपर शो आ देगा। कितने वाट का एलईडी दिया गया? दोस्तों इसमें जो एलईडी दिया गया है वो है 4 वाट का। दोस्तों एक पॉइंट है मैं आपको बताना भूल ही गया, यहाँ पे टाइम शो करता है, डेट शो करता है, कौन सा मंथ है वो शो करता है, कौन सा दिन है वो भी शो करता है, टेम्परेचर भी शो करता है, लेकिन इसमें अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं। वो चीज मैं एकदम बताना भूल गया था। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 1 घंटे का पावर नैप लेना चाहिए, तो कुछ नहीं, आप 1 घंटे के लिए सो जाइए, उससे पहले इसमें अलार्म सेट कर दीजिए,
टाइम पे ये आपको जगह देगा। व्हाट इज अबाउट द रन टाइम दोस्तों, जो मुझको एक्चुअल में मिला है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इसमें हायर इंटेंसिटी में मुझको मिल गया है 2.5 आवर्स का रन टाइम। उसके बाद लाइट जो है लाइट बंद नहीं होता है, लाइट लोअर इंटेंसिटी में जलते रहता है। लोअर इंटेंसिटी मतलब ऑलमोस्ट डिम हो जाता है एंड लाइट जलते रहता है। दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ विप्रो डेको लैम्प के बारे में। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लैम्प आई कंफर्ट के मामले में। दोस्तों ये एक नॉन रिचार्जेबल लैम्प है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूएसबी केबल, यूएसबी टाइप है। सो क्या कर सकते हैं, आप जो मोबाइल का चार्जर है उससे इसको ऑन कर सकते हैं, पावर बैंक से इसको ऑन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपके लैपटॉप से भी इसको चला सकते हैं। दोस्तों चलिए मेन लाइट को बंद कर देते हैं एंड इस लाइट को ऑन करते हैं। दोस्तों मैं अभी हूँ एकदम अंधेरे में एंड लैम्प को अभी मैं ऑन कर लूंगा। सो आप लोग इसका इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं। इसका एलईडी का जो कलर है वो बैलेंस्ड है, मतलब व्हाइटिश एंड येलोइश का मिक्स्ड। एंड ये जो लाइट का कलर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है आईज के लिए। दोस्तों ये अभी हाईएस्ट इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी को लो करेंगे, टच करके रखूंगा। देखिए इंटेंसिटी धीरे 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 कम होता रहेगा। सो इंटेंसिटी कम हो रहा है एंड ये आगे एकदम लोएस्ट इंटेंसिटी में। एंड इंटेंसिटी को फिर से बढ़ाएंगे। सो फिर से मैं टच करके रखूंगा, देखिए इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज यहाँ पे आ गया ये हाईएस्ट इंटेंसिटी पे। दोस्तों ये तो रीडिंग लैम्प है ही, लेकिन इसको आप फोल्ड कर लीजिए, देखिए टेबल में कितने अच्छे से ये शो दे रहा है। इसको एज अ डेकोरेटिव लैम्प भी आप काम में ले सकते हैं एंड साथ ही साथ इसको फोल्ड करके आप इंटेंसिटी को कम कीजिए। देख सकते हैं इंटेंसिटी कितना कम हो गया। इसको आप ऐसा नाइट लैम्प भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नाइट लैम्प इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद जो दिखेगा हमको वो है डेकोरेटिव टेबल लैम्प, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ स्टडी लैम्प के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, लाइट को बंद करके दिखा देता हूँ। दोस्तों लाइट जो है, लाइट को मैंने बंद कर लिया है। इसको जब भी पहली बार आप लोग ऑन करते हैं तो ऐसा दिखने को मिलता है। देखिए जो एलईडी का कलर है, अलग कलर का एलईडी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, एक डेकोरेटिव लैम्प जैसा ये आपको शोभा देगा टेबल के ऊपर। सो पहले ऐसा चेंज होता रहेगा, लेकिन बाद में ऐसा चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो इस लैम्प का एक डेडिकेटेड स्विच है, इसको ऑन करेंगे, देखिए अभी ब्लू में है एंड अगर आप इसको टच करके रखेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। देखिए मुझको ऐसा रखना है ग्रीन में, तो मैं ग्रीन में रख सकता हूँ, फिर टच करके रखेंगे, देखिए थोड़ा सा स्काई जैसा हो गया, फिर से टच करके रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा पर्पल या फिर ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। एंड फिर से टच करके रखूंगा, देखिए ये रेड कलर का दिख रहा है। सबसे पहली बार जब ये ऑन होगा तो ऐसा कलर चेंज करते रहेगा, लेकिन बाद में ऐसा कलर नहीं चेंज करेगा। आप इसको ऐसा स्टील कोई भी कलर में रख सकते हैं, टेबल के ऊपर ये अच्छे से शोभा देगा। दोस्तों मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक चीज गलत बोल दिया था, जो कि करेक्शन करना जरूरी है। मैंने बोला था इसका जो आरजीबी है स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, आपको कोई भी एक कलर में फिक्स करना पड़ेगा। वो मैंने गलत बोला था, बाद में भी आप इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। क्या करता हूँ, जो पावर बैंक से इसको ऑन कर देता हूँ। सो देखिए ऑन करने के बाद ही इसका जो आरजीबी है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे दो स्विच है, एक पावर है एंड यहाँ पे और एक स्विच है। जो पावर है इसको मैं प्रेस करूंगा, देखिए जो मेन एलईडी है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन हमको ये ऑन नहीं करना है, हमको जो दूसरा वाला स्विच है इसको ऑन करना है। एंड देखिए ये भी फिक्स्ड है, एक कलर में फिक्स्ड है। एंड इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए दो स्विच है, दो स्विच में ऐसा टच करके रखेंगे। सो ऐसा टच करके रखूंगा मैं, तो कलर जो है कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जो मेन लाइट है, मैं मेन लाइट को बंद कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो मेन लाइट को मैंने बंद कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। मेन एलईडी को ऑन करता हूँ, मेन एलईडी को ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर दिख रहा है एंड यहाँ पे मेन एलईडी ऑन है। मेन एलईडी का जो इंटेंसिटी है थोड़ा कम कर देता हूँ, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए दोनों को आप एक साथ ऑन कर सकते हैं, मतलब ये मेन एलईडी भी जलेगा एंड साथ ही साथ ये जो बॉटम पोर्शन में जो एलईडी है इसको भी आप कलर फिक्स कर सकते हैं कोई भी। सो देखिए मैं अभी रेड था, थोड़ा सा चेंज करके ऐसा ग्रीन जैसा फिक्स करके रखूंगा,
तो यहाँ पे भी एलईडी ऑन रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, दोनों कर सकते हैं आप साथ में, दोनों एलईडी को साथ में ऑन रख सकते हैं। एंड चाहे तो एक को बंद करके एक ऑन भी रख सकते हैं। देखिए बॉटम का ऑन है, टॉप का बंद है, एंड अभी देखिए दोनों ऑन है। एंड अभी देखिए बॉटम का मैंने बंद कर दिया, सिर्फ टॉप का ऑन है। दिस इज अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन दोस्तों, ओकेजन चाहे जो भी हो आप इस लैम्प को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड सामने वाला जिसको आप ये लैम्प गिफ्ट करेंगे वो इस लैम्प से बिल्कुल भी उदास नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सिस्का की तरफ से, सिस्का वाईफाई लैम्प। दोस्तों ये एक नॉन रिचार्जेबल लैम्प है, मेन लाइट को मैं बंद कर देता हूँ एंड इस लैम्प को ऑन करके आगे के पॉइंट्स बताता हूँ। दोस्तों मैं अभी आगे एकदम अंधेरे में, अभी लैम्प को कर लूंगा मैं ऑन। सो देख सकते हैं कितना ब्राइट है, इंटेंसिटी कितना अच्छा है इसका। ये जो है ये व्हाइटिश में है, इसको थोड़ा चेंज करूंगा। दिस इज बैलेंस्ड, मतलब व्हाइट और येलो का मिक्स्ड। एंड इसके बाद देखेंगे दिस इज येलोइश। एंड फिर से अगर बैक करेंगे तो फिर देखिए बैलेंस्ड में आ गया एंड दिस इज व्हाइटिश। इंटेंसिटी बहुत अच्छा है इसमें, जो एलईडी दिया गया है इसमें 7 वाट का एलईडी दिया गया है। और एक चीज, इसमें आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं बस एक डायरी रखा है, एक पेपर में रख के दिखा देता हूँ। सो एक पेपर में यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए कितना ब्राइट है ये जो एरिया है, कितना ब्राइट है। इधर मैं बैठा हूँ, सामने कोई बैठ सकता है, इधर कोई बैठ सकता है, दो या तीन लोग मिलके आराम से ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। पेपर पे देखिए कितने अच्छे से लाइट जो है, लाइट स्प्रेड हो रहा है। एंड इसमें दो पेजेस हैं, थोड़ा स्प्रेड कर लूंगा। देखिए इधर तक भी लाइट जो है, लाइट अच्छे से पहुंच रहा है। दोस्तों ये एक वाईफाई लैंप है, इस लैंप को हम लोग वाईफाई के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज को भी इसका जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें मैं दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक जितना सारा लैंप मैंने दिखाया है, हर एक लैंप का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा मैं। दोस्तों ये सारे लैंप का जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं। ना, ना।